दोस्तों, मैं हूं आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। अर्पिता सोच रही थी कि वो घर पर मजे से सो क्यों नहीं रही थी। क्या उसका बिस्तर अच्छा नहीं था या उसे वीकेंड पर बोर होना पसंद था? वो कुछ भी कर सकती थी, पर उसने इस पत्थर दिल इंसान के साथ आना क्यों पसंद किया? उसका सिर्फ दिल ही पत्थर का नहीं था, बल्कि उसकी जुबान भी कड़वी थी। अर्पिता जैसे तैसे अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक संजय उसके सामने आया और उसे अपनी बाहों से उसके कंधों को पकड़ लिया और अर्पिता को सही दिशा में ले जाने लगा। उसका शरीर सुंदर खुशबू से महक रहा था। अर्पिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत दंग थी और बहुत डरी हुई थी। वो किसी रोबोट की तरह चुपचाप उसके साथ जाने लगी। वो ऐसा क्यों कर रहा था? ऐसा लगता था जैसे कोई थप्पड़ मारने के बाद किसी को मिठाई की रिश्वत दे रहा हो। कुछ सोचकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपना गला साफ करके और मुंह बनाकर कहा, मिस्टर संजय, आपने एक देवी का कंधा बिना कुछ कहे ऐसे ही पकड़ लिया। इस तरह की हरकत करने वालों को जानते हैं क्या कहते हैं? बदमाश। अचानक उसने अपना हाथ उसके माथे पर लगाया और पूछने लगा, क्या तुमने कल रात को ठीक से आराम नहीं किया? क्या तुम अभी भी सपने देख रही हो? तुम कहां से देवी लगती हो? अर्पिता गुस्से से भरी हुई थी। उसने कसम खाई, अगर वो दोबारा उससे बात करेगी तो वो कुत्ते की तरह भौंकने लगेगी। अर्पिता ने जोर से अपना हाथ छुड़ाया और उससे बहुत दूर जाकर खड़ी हो गई। संजय ने अपनी भौहें चढ़ाई और अर्पिता को देखने लगा, जो कि उसे अनदेखा करने के लिए दूर जाकर खड़ी हो गई थी। तभी संजय के मन में ख्याल आया, अर्पिता, क्या तुम क्लासरूम के टूर के लिए जाना चाहती हो, या फिर कैफेटेरिया, या फिर पहले कैफेटेरिया? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या तुम पानी पीना चाहती हो? संजय ने अपने असिस्टेंट से एक मिनरल वाटर की बोतल ली और उसके चेहरे के आगे हिलाने लगा। यहाँ कोई नहीं है। अर्पिता ने प्यास होते हुए भी ऐसे दिखाया कि वो कुछ नहीं सुन सकती। जब संजय ने देखा कि अभी भी उसने कुछ नहीं बोला, उसके मन में एक और बात आई और फिर उसके चेहरे पर शैतानी दिखाई देने लगी। जैसे ही अर्पिता ने संजय की आंखों की तरफ देखा, उसके मन में ऐसे लगा कि कुछ होने वाला है। कुछ ही सेकंड, संजय ने अपना मुंह खोला और पूछा, क्या तुम्हें अभी भी 3 महीने का बोनस चाहिए? अर्पिता एकदम से कुत्ते की तरह भौंकने लगी। संजय बोल पड़ा, लूजर, हार गई। किंडरगार्टन का टूर अभी भी चल रहा था। अनन्या बहुत ही प्यारी थी और उसे प्यारी बातें भी करनी आती थी, तो हर टीचर उसे देखते ही पसंद कर रही थी। उनमें से एक टीचर ने मुस्कुरा कर कहा, रिसर्च बताती है कि दोनों पेरेंट्स के बीच का रिश्ता उनके बच्चे की खुशी पर असर डालता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अनन्या इतनी हंसमुख है, क्योंकि मिस्टर मित्तल और मिसेस मित्तल आपस में बहुत प्यार करते हैं। अर्पिता का शरीर तो जैसे जम ही गया जब उसने ये सुना। संजय को मिस्टर मित्तल बोलना ठीक था, पर उसे मिसेस मित्तल? और तो और, टीचर ने सिर्फ देखकर ही ये कैसे कह दिया कि वो और संजय एक दूसरे को प्यार करते थे? उनके बीच में तो पक्की दुश्मनी थी। अर्पिता एकदम से बोली, टीचर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। असल में, इससे पहले कि अर्पिता अपनी बात कह पाती, टीचर ने बड़े जोश में कहा, और हाँ, आज किंडरगार्टन में पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी है, जहाँ माता पिता को अपने बच्चों के साथ कुछ काम करने होंगे। अगर आप पहले स्थान पर आते हैं तो आपके बच्चे को प्यारे से उपहार भी दिए जाएंगे, तो क्या आप दोनों इसमें भाग लेना चाहेंगे? अर्पिता बहुत घबराई हुई थी। उसने संजय की तरफ देखा। वो चाहती थी कि संजय उनके रिश्ते के बारे में टीचर को बताए। हालांकि ऐसा लगता था कि उसने सुना ही नहीं। जिस तरह टीचर ने उन दोनों का नाम लिया था, इससे काफी गलतफहमी हो सकती थी। संजय ने झुककर अनन्या को उठा लिया और प्यार से उसके पसीने से भीगे बाल पीछे करते हुए उससे पूछा, अनन्या, क्या आपको गिफ्ट चाहिए? हाँ, मुझे गिफ्ट चाहिए, अनन्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके बाद उसने अपना प्यारा सा चेहरा अर्पिता की तरफ घुमाया, जैसे वो उसे मना कर रही हो। अर्पिता अनन्या की माँ नहीं थी, इसीलिए उसका पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी में भाग लेना थोड़ा अजीब था। हालांकि अर्पिता ने अनन्या का प्यारा सा चेहरा देखा तो वो उसे मना ही नहीं कर पाई। वो संजय के पीछे चुपचाप चली गई और जहाँ एक्टिविटी होनी थी वो लोग उस जगह पहुँच गए। क्या आप दोनों यहाँ पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी के लिए आए हैं? प्लीज यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ये एक्टिविटी कुछ भागों में बटी हुई है और हर भाग के विजेता को एक गिफ्ट मिलेगा, एक्टिविटी की इंचार्ज ने मुस्कुराते हुए उन्हें बताया। उस एक्टिविटी के नियम काफी आसान थे
और बहुत मजेदार भी। अर्पिता ने आसपास देखा, वहाँ का प्लेग्राउंड अलग अलग भागों में बटा हुआ था। वहाँ होने वाले खेलों के बड़े मजेदार नाम थे, जैसे तीन टांगों की रेस, निम्बू रेस और हाथी मेरे साथी। बहुत सारे पेरेंट्स पहले ही अपने बच्चों के साथ वहाँ खेल शुरू कर चुके थे और आसपास काफी चहल पहल थी। सारा प्लेग्राउंड बच्चों की प्यारी हंसी से गूंज रहा था। जब अनन्या ने वहाँ बहुत सारे बच्चों को देखा, उसके प्यारे से चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो आगे भागते हुए गई और अपने पंजों पर उचक कर चारों ओर देखने लगी। पता नहीं क्यों, अनन्या जो भी कर रही थी, अर्पिता को वो सब बहुत जाना पहचाना लग रहा था। अनन्या को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने उसका खुद का बचपन आ गया हो। अचानक उसे वही बात याद आ गई जब संजय ने उसे नाटी कहकर बुलाया था। हो सकता है वो चाहता था कि... फिर अर्पिता ने संजय को देखा जो अनन्या को अपने पंजों पर उचकते हुए देख रहा था। संजय को पता था कि अर्पिता उसी को देख रही थी, इसीलिए उसने अपना सिर घुमाया और अपनी भौहें चढ़ाता हुआ बोला, मेरी बेटी जो भी करती है वो बहुत प्यारा होता है। अर्पिता उसकी बात सुनकर हैरान थी। अगर वो अपने पंजों पर उचकती तो वो उसके लिए नाटी है, पर वही काम करती हुई अनन्या उसे प्यारी लग रही थी। अर्पिता को कुछ देर शांति चाहिए थी। वो चाहती थी कि थोड़ी देर उससे कोई बात ना करे। तभी वहाँ एक टीचर हाथ में नोटबुक लिए आई। उसने संजय से पूछा, सर क्या मैं आपका सरनेम जान सकती हूँ? आपको गेम में पार्टिसिपेट करने से पहले अपना नाम लिखवाना होगा। वो टीचर बात करते करते संजय को देखते हुए शर्मा रही थी। असल में वहाँ काफी ऐसे लोग थे जो बच्चों के माता पिता नहीं थे, बल्कि वो उनके दोस्त और रिश्तेदार थे जो बच्चों को वहाँ टूर के लिए लाए थे। संजय मित्तल का अपना एक अलग ही अंदाज था। ऐसा लगता था जैसे दुनिया की हर चीज उसे देखकर खुश हो जाएगी। अगर उसे करोड़ों लोगों की भीड़ में भी खड़ा कर दिया जाए तो भी वो अलग दिखाई देता। संजय मित्तल की उंगली में कोई शादी की अंगूठी नहीं थी और उसे देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका एक बच्चा भी होगा। आसपास की कई लेडीज उसे देखकर शर्मा रही थी। एक तो उसे देखने में इतनी खो गई कि खुद उसका पति उससे नाराज होकर वहाँ से जाने लगा। जब उसे समझ आया तो वो अपने पति के पीछे भागी। वो भागते भागते कह रही थी, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो उसे बस देख रही थी, मेरे मन में कोई बुरे ख्याल नहीं आए। जबकि अर्पिता अपने सामने खड़े संजय को देखकर मन ही मन उसे कोस रही थी, शैतान कहीं का। सर क्या भाग ले रहे हैं? वो टीचर अभी भी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। अगले ही सेकंड उसने अनन्या को संजय के पास आते हुए देखा और वो बोली, हाँ हाँ मुझे पता है। उसने अपनी उंगली से इशारा करते हुए एक मुस्कान के साथ कहा, ये है मिस्टर मित्तल। और फिर उसी उंगली को अर्पिता की तरफ घुमाते हुए बोली, ये है मिसेज मित्तल। दोस्तों मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी के अगले एपिसोड।